अजीब अजीब सी चीज़ें पेपर में आने लगी हैं। IUPAC नेम एलिमेंट्स जिनके नंबर एटॉमिक नंबर याद रखिए 100 से ज़्यादा, उनको अब IUPAC ने कुछ ख़ास तरीके से नाम दे दिया है, जैसे कि 104, तो 1 अनिल कॉडियम, 105 अनिल पेंडियम। अभी पूरी डिटेल बताता हूँ कि क्यों कर रहे हैं। अनिल हेक्सियम, अनिल सेप्टियम, अनिल ऑक्टियम, अनिल एनियम, अनिलियम, अनियम, अनबायम और अनट्रायम। एक्चुअली जीरो को हम लेते हैं निल, तो जहाँ जीरो आएगा उसकी जगह निल। वन से मुराद अन, टू से मुराद बाय, थ्री से मुराद ट्राई, फोर से मुराद कॉड, फाइव से मुराद पेंट, सिक्स से मुराद हेक्स, सेवन से सेट, एट से ऑक, नाइन से अन। फ़ायदा क्या हुआ कि अब अगर हमें कोई बहुत बड़ा नंबर चाहिए, लेट सपोज कोई मुझे कह रहे भाई 136 बताओ, तो वन के लिए अन, थ्री के लिए ट्राई, सिक्स के लिए हेक्स और आखिर में जो प्रीफिक्स लगेगा एम, एम, तो ये मेरे पास आ गया। अब कोई मुझे बोलता है भाई 270 का, तो टू के लिए बाय, सेवन के लिए सेट, ज़ीरो के लिए निल, एम। अच्छा है, तो बहुत आसानी हो गई कि जो हमें याद करने पड़ते थे भाई 100 तक, तो उन्होंने बर्दाश्त कर दिया। अब वो अगर कह दें शुरू के कोई नंबर, लेट सपोज कहेंगे भाई कार्बन का IUPAC नेम बताओ, कार्बन का नंबर क्या है 6, तो हेक्सियम। ओके जी, सोडियम का नंबर क्या है 11, तो अनियम। के पता होना चाहिए। अब जिस तरह के पेपर बनने लगे हैं कुछ भाई नहीं क्या चीज़ें थे, और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, क्या समझ में आ गई होगी आपको बात, कि 112 था तो अन बाय, 111 था पहले ये अन, फिर अन, फिर अन, फिर आयम, अन निलियम। जाहिर है जीरो को हम निल का नाम देते हैं, अब ये अन पहले फिर जीरो है, अन निल एनियम। याद रखो नोनियम नहीं है, नाइन के लिए एन कलर यूज होता है। 108 अन निल ऑक्टियम, 107 अन निल सेप्टियम, अन निल हेक्सियम, अन निल पेंटियम, अन निल कॉडियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अब ये चीज़ आने लगी है। तो अगर कोई मुझे बोले भाई 999, तो क्या हो जाएगा, एन 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 एन, इससे हज़ार क्यों, लाख क्यों, करोड़ क्यों, अब ये मसला सॉल्व हो गया। हमेशा कोई बहुत बड़ी गली हो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, कितने एलिमेंट्स का आ जाए वो अब हम निकाल सकते हैं। तो ये तो एक बहुत अहम चीज़ है जो सबने करनी है। एक वीडियो मैंने और डाली थी जिसमें बताया था कि एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले का, वो चीज़ भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिएगा। और ये IUPAC ने मेरे ख्याल से अच्छी तरह हो जाने चाहिए। थैंक्स।